इंटरनॅशनल लामाफेरा हिलिंग अँड ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर व लामाफेरा फाउंडेशन यांच्या वतीने भारतातील सर्वात मोठ्या लामाफेरा हिलिंग मॉनेस्ट्रीमध्ये भगवान बुद्ध जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. लामाफेरा हिलिंग गुरु लामा डॉक्टर सतेंद्र शुक्ला यांच्या हस्ते भगवान बुद्ध यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून उपस्थित अनुयायांना त्यांनी संबोधित केले. भगवान बुद्धांनी जगाला जे तत्वज्ञान दिले त्याची आवश्यकता आजच्या आधुनिक विज्ञानाच्या काळात प्रत्येक जनमानसाला आहे. आज बुद्ध पौर्णिमेच्या निमित्ताने लामाफेरा मॉनेस्ट्रीमध्ये सर्व अनुयायांनी बुद्धांना वंदन करून महाबोधी ध्यान, लामाफेरा हिलिंग व महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते. यंदाच्या वर्षी बुद्ध पौर्णिमेच्या निमित्ताने विविध क्षेत्रात सामाजिक योगदान देणाऱ्या व्यक्तीचा सन्मान देखील करण्यात आला. यामध्ये पत्रकार सुमित आंबेकर यांना पीस मेसेंजर मीडिया ऑफ द इयर 2022 या विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. सोबतच आर्किटेक्चर जोहीर सियामवाला, बांधकाम व्यावसायिक सचिन तरवडे, हिलिंगच्याद्वारे अनेकांना बळ देणाऱ्या लामा रेवती दामोदरे, आनंदी सुंदर राजन, कविता टकले, निलेश महाडिक, मानसी कठाले, कार्तिकी काळभोर, नेहा गोयल, स्नेहा देवरे, राजेश्वरी रमेश या 12 मान्यवरांना पीस मेसेंजर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा. कहते हैं जब व्यक्ति अपने लिए जीता है तो उसे मनुष्य कहते हैं, जब व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है उसे बुद्ध कहते हैं. भगवान बुद्ध ने बताया कि बोधिसत्व कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है यदि वो समझ ले बोधिसत्व क्या है. तो बोधिसत्व किसे कहते हैं? बोधिसत्व का अर्थ होता है स्वयं को जानना. बोधिसत्व का अर्थ होता है दूसरों को जानना. बोधिसत्व का अर्थ होता है अपने उत्तरदायित्व को जाना, समाज के प्रति, देश के प्रति. जब हम सजग भाव में रहते हैं और अपने आप को जान लेते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को समझ लेते हैं, अपने उत्तरदायित्व को समझ लेते हैं, तो हमारे अंदर बोधिसत्व का निर्माण होता है. भगवान बुद्ध ने चार बातों पर विशेष ध्यान दिया है और जिसका उन्होंने प्रचार किया था, दया, क्षमा, करुणा और प्रेम. कहते जिस व्यक्ति के अंदर चारों गुण हो, क्षमा, दया, करुणा और प्रेम, उस व्यक्ति के अंदर जीवन में कभी भी कोई दुख आ ही नहीं सकता. वो स्वयं अंदर से आनंदित रहता है क्योंकि उन्होंने कहा है गुरु आपके अंदर है, गुरु आपके बाहर नहीं है, उसे बाहर मत तलाशिए. इसे कैसे पाया जाए, इन चारों गुणों को अपने अंदर कैसे विकसित किया जाए? तो बहुत ही सरल सा ध्यान सिखा, सरल सा चीज सिखाया, उसे कहते हैं ध्यान. यदि हम ध्यान करना शुरू करें, आंखें बंद करें और अपने आप को समय दें 15 से 20 मिनट ध्यान करने का, तो हम अपने पंच विकारों से दूर हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं. जब तक हम अपने पंच विकारों से मुक्त नहीं होते तब तक हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास नहीं होता. तो बुद्ध पूर्णिमा पे एक संकल्प लीजिए कि न केवल मैं ध्यान करूंगा बल्कि मैं अपने परिवार में ध्यान का प्रसार करूंगा, मैं अपने समाज में ध्यान का प्रसार करूंगा. जब हमारे अंदर ध्यान की शुरुआत हो जाए तो पूरा देश बदल सकता है, पूरा विश्व को बदल सकता है. इसी के साथ मैं आप सभी को बुद्ध की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ. ईश्वर आपकी सर्व इच्छा मनोकामना पूर्ण करें. तथास्तु. जय हिंद.